आधे से ज्यादा तो पेट्रोल पंप डूबा हुआ है। थैंक गॉड मैं बच गई। आज तो भगवान ने भी सुन ली, आज तो बारिश इतनी बढ़िया हुई थी सुबह सुबह गाइस, बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, उसी का इफेक्ट है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है। हाँ मैडम जी गुड मॉर्निंग हो रही है, हम तो बहुत पहले ही उठ गए थे यार, और नाश्ता भी कर लिया। तो गाइस अभी का सीन ये है, मैं और आशीष कहीं जा रहे हैं और एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं वो यंगस्टर के लिए तो वरदान है यार, मतलब हर यंगस्टर चाहता है कि यार ऐसी जगह जाऊं और बहुत सारी वैरायटी मिले, बहुत सारी मतलब अच्छी रेंज में बहुत अच्छी चीजें मिल जाए। मैं आपको रिवील नहीं करूंगा, साथ चलो आपको तभी पता चलेगा। और शालू और मम्मी हमने किसी को नहीं बताया कि हम जहाँ कहाँ रहे, ठीक है? तो सरप्राइज है शालू के लिए। फटाफट निकलते हैं अपने ब्लैक बीस्ट वर्ना पे और मौसम का भी इंजॉय करते हैं, और वहां जाके अगर हमें कुछ पसंद आया तो विल डेफिनेटली बाय। चलो इसे क्या हुआ है, क्या हुआ इसे, कालू आ गया होगा ना बाहर, क्या हो गया कालू? अरे हम खड़े हैं यहाँ पे, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ शालू खड़ी है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो वो कालू की पड़ी है ये नैन जो लड़ा रही है ना। गंदी बहुत लड़की तेज हो गई हमारी, इसको अंदर रखो। अरे कालू तेरे को शर्म नहीं आई, तू लड़की छेड़ रहे हमारी। तो चलो गाइस चलते हैं, हमारा ब्लैक बीच रेडी हो चुका है, नीचे देखो कितना कीचड़ है। चलो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, सबको सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो गाइज आज का मौसम तो वंडरफुल हो चुका है, बस यही प्ले कर रहे कि पूरा दिन ऐसे ही रहे, ऐसा ना हो कि बाद में जाके ह्यूमिडिटी हो जाए और फिर दिक्कत आपको बताई है। हम निकला है यार, और गाइज जहाँ जा रहे हैं वो आशीष को पता है, आशीष ने ही वो रिसर्च करके ढूंढा है कि ऐसी एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीजें इस बजट में भी मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है। बाकी वहाँ जाएंगे, देखते हैं, पसंद आया तो चीजें लेकर आएंगे। और आप तो वैसे ही फॉलो कर रहे हो, वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा क्या लेने हम जा रहे हैं, और शालू के लिए सरप्राइज है। मौसम भी तो तब मस्त होता है ना जब कहीं जाना नहीं होता, जब आउटिंग प्लान करो ना तो बाहर इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप या ऐसी बारिश आएगी जिसमें आप गाड़ी चला भी नहीं पाते। गाइस आप अगर इस बात पे रिलेट कर रहे हैं तो जरूर कमेंट में बताना कि ऐसा हमेशा होता है कि जब आप आउटिंग प्लान करते हैं ना, चाहे वो प्लानिंग वाली हो या सडन हो, वेदर आपका ना सपोर्ट बहुत कम ही देता है यार। जय श्री राम। पूरे NCR में हो रही होगी बारिश, हर जगह हो रही होगी। एंड गाइस जो कैरेंस आई है दोस्त की, उसके भी काम कराना है, पेंडिंग हो गया है 2 दिन से। वो मुझे कह रहा है कि यार वो स्पीकर जो लगवाए हैं, मेरे कंपोनेंट जो लगवाए हैं प्राइमस के इन्फिनिटी के, कह रहे साउंड नहीं आ रहा उस लेवल का। तो मैंने कहा यार स्पीकर कभी बेस नहीं देता, उसके साथ एम्प लगवाना पड़ेगा, तो वो काम भी करवाना है और रूफ रेल्स लगवाने हैं, विंडो वाइजर लगवाना है, और वो मुझ पर डिपेंडेंट कि यार साथ चलेंगे थोड़ी देर टाइम पास भी हो जाएगा। तो मैंने कहा यार टाइम पास की बात नहीं, तो फटाफट जाके करवा ले, काम ही काम मैंडेटरी है, क्योंकि म्यूजिक लवर हम है यार, और साउंड अगर छन के नहीं आएगा, फिल्टर होके नहीं आएगा कानों में, तब तक मजा नहीं है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मयूर विहार फेस 1, और हम लेने के आए हैं, आपको बता रहा हूँ अभी, शालू मम्मी को किसी को नहीं पता, हम यहाँ पे आए हैं शूज लेने, मतलब ब्रांडेड शूज है, 7A क्वालिटी है, फर्स्ट कॉपी आपको मिल जाएगा और अच्छे डिस्काउंट में। तो चलते हैं सर्च करते हैं, और ये जो बिल्कुल ओरिजिनल ही है यार, कस्टम के शूज है और डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाएगा, मेनली आशीष बता रहे क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो चलते हैं चेकआउट करते हैं, और अगर पसंद आया तो लेकर आते हैं, लेके किसके लिए आना है वो तो मैंने आपको बता दिया है, तो आई होप सो कि वैसे मिल जाए, वो कलर मिल जाए बस। चलो तो चलो गाइस चले अंदर। अनफॉर्चुनेटली अभी इस वीक उनके पास है नहीं, तो वो जो आर्टिकल आपको चाहिए या तो आप 2 दिन बाद कांटेक्ट कर लेना या एक हफ्ते बाद आएंगे तो तब देख लेना। तो अभी हमारा जाना थोड़ा सा वेस्ट हुआ, बट ये है कि देख लिया कि उनके पास क्या क्या पड़ा है और क्या क्या क्वालिटी किस किस रेंज में है, तो अब देखते हैं अगर या तो फिर नेक्स्ट वीक जाएंगे, नहीं तो एक दो जगह और हमने सर्च कर लिया बैठे बैठे, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट करा नहीं, वहां जाएंगे वहां से लेके आएंगे, बट लेके जरूर आएंगे, सरप्राइज जरूर देना है। देखो जी देखो, आधे से ज्यादा तो पेट्रोल पंप डूबा हुआ है। थक हार के हम घर वापस आ चुके हैं और हमारा मजाक उड़ने वाला है, हम बोल के गए थे, वैसे तो हमने बताया नहीं था बिल्कुल भी, और अगर शालू व्लॉग देखेगी तो पता चल जाएगा तो हम किस लिए गए थे, बट तो मैं बताऊंगा नहीं, ये एडिटिंग छुप के करनी पड़ेगी मुझे, नहीं तो पता चलेगा तो मजाक उड़ेगा यार। पापा आ गए, क्या हो गया, कालू 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 कालू, बस बस। अरे अभी तो यहीं था तेरे पास,
अंदर भाग के आ गई है, अंदर भाग के हैं मम्मी के पास आ गई सीधा हैं। रुक जाती थोड़ी देर, ये वेट कर रही है, इसका बिस्किट खत्म हो गया है तो चलते हैं ना बिस्किट लेने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तैयार हुई हूं ना, मैं तो सो रही थी। नहीं मुझे लग रहा था कि आप रेडी हैं, कोई ना कोई चक्कर है। नहीं लेके आते हैं तो चलते हैं। इसके मतलब दोनों बिस्किट खत्म, एक तो जो गलती से हम लेके, एक बड़ा साइज का था एक छोटा साइज का, छोटा वाला लाना है और पेडिग्री वाला तो ले आते हैं। अच्छा इसलिए आप बाहर इतने एक्साइटेड हो गए थे, आपका बिस्किट खत्म है, स्टॉक खत्म है, लेके आते हैं, लेके आते हैं मेरे बच्चों। तुम कहाँ गए हुए थे? हम? हाँ तुम कहाँ गए थे? अरे मौसम इतना अच्छा था तो मैंने कहा यार आशी जरा एक आधी गेड़ी मार के आते हैं, मौसम का जायजा लेकर। अच्छा कहाँ गए थे? वही तो पूछा। अरे आसपास गए थे, हाईवे जो है यार। दो घंटे तो कुछ भी नहीं हुए, सिर्फ आधा घंटा भी नहीं हुआ। दो घंटे हुए थे? चलो अच्छा चलो, पब्लिक को पता है आधा घंटा भी नहीं हुआ। चलो अच्छा रास्ते में, चलो लेकर आया कुछ? अरे लेने नहीं गए थे हम, झूठ बोल रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है यार। ऐसे वेदर में सनरूफ का मजा ना ले तो फिर क्या बेनिफिट है। चलो नहीं ये बड़ा ही लग रहा है यार, ये एग्जैक्ट। हाँ ये छोटा है, ये वाला देखो बड़ा है। हाँ ये ठीक है, ये वाला ले लो। तो यार छोटे वाला पैकेट ही ले लिया है क्योंकि ना बड़े वाला पैकेट ना वैसे ही बहुत टाइम निकाल देता है, छोटे वाला भी 5-6 मिनट निकाल देगा और एक्सपायरी भी उसकी क्लोज थी तो छोटे वाले लेके खत्म कर दिया। ठीक है ना छोटे वाला? हाँ छोटा ठीक है, उसकी एक्सपायरी भी जल्दी थी। और ये ध्यान रखना कि इसको खिला देना, इसका 24 मतलब जनवरी तक ही है 2024 तक। देखो मैं क्या लेके आई हूँ आपके लिए, वो देख रही है खाली पैकेट दिखा रही है बस। ये देखो खाएगा? अभी देती हूँ, खत्म हो गया था ना तेरा बिस्किट। दिन से बिक्की नहीं खाया था। चलो देखो देखो खड़ी हुई। यार भाई ने ना बर्गर मंगाया था और उसको पता नहीं है आदि को कि बर्गर आया, मुझे कह रहा था बहुत ज्यादा भूख लगी है तो बर्गर गरम करके दे देते हैं। चलो यार बर्गर ले लेते हैं, गरम तो हो गया, आए कुछ ज्यादा ही गरम हो गया ये फॉर यू। अरे वाह सिंह, बर्गर सिंह नहीं है क्या है वो, बर्गर किंग। क्या बात है यार, आज का वेदर उस पर से बर्गर बाहर गेड़ी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन गाइस। तो यार बर्गर वगैरह हम लोगों ने खा लिया और मैं ना आदि का फोन चेक करी थी और मुझे पता चल गया है कि ये लोग शूज लेने गए थे। थैंक गॉड मैं बच गई। सबसे पहले आदि को बता देती हूँ कि मुझे पता चल गया और अपने अकॉर्डिंग तो मत लाना क्योंकि मैं को पसंद नहीं आएंगे तो मैं नहीं लेने वाली। तो आदि आज आप कहाँ गए थे यार? मतलब मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि वेदर अच्छा था तो बाहर सिर्फ घूमने गए थे। आशीष से पूछ लो यार, मैंने ना देख लिया। क्या देखा आपने? वो तुम्हारा मेरे को लॉक पता है, शायद तुम भूल चुके हो तो आपने पीछे से फोन उठा लिया है। हाँ तो लॉक बंदे को जो पता है तो देखेगा ही ना। मतलब मैं वॉशरूम गया था तो आपने फोन उठा के, अच्छा जो आपने देखा तो क्या देखा है उसमें? तुम शूज लेने गए थे और जो मेरे यार गाइस मतलब यार तुमने देख ही लिया शालू। सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देना चाहिए। जब आपको कह रहा हूं, देना ही नहीं, जब मैंने आपको ये बोला कि फोन मेरा नहीं उठाना तो क्यों उठा दिया? तो मैं कुछ काम करने के लिए मैं ये थी यार, मैंने ना देखो पर्पसली नहीं लिया था। अब आप खुद देखो, इंसान जब सरप्राइज देने का प्लान कर रहा है, वैसे मुझे आता नहीं है सरप्राइज देना, अगर मैंने पहली बार प्लान किया तो वो भी वहाँ भी पोपट कर लिया, खुद का ही अपना ही पोपट कर लिया देख लो। वो तो अब मैं जा कर लूंगी ना, खुद लूंगी। अरे तो जा के देना क्या है, मुझे खुद भी सरप्राइज देना था आपको यार। सरप्राइज अब नहीं मिलेगा गाइस, ये तो ध्यान रख लो आप। सरप्राइज नहीं मिलेगा, मैं जा के खुद लूंगी। अब खाने को भी कुछ है? हाँ डिनर है ना। डिनर बना लो तो गाइस, सरप्राइज तो ब्रेक हो चुका है, अब क्या करें? अब ये खुद जाएंगी अपनी मर्जी का लेंगी और मुझे भी लेकर जाएंगी, अब ये सजा है इनकी। वो आ गया मेंढक, मेंढक आ गया तो ड्यूटी खा दी, मेरी लगा दी जैसे कोई डायनासोर आ गया। बाहर से अंदर आ रहा है, इसको भाग्य नहीं है। डरा अडोरा का फ्रेंड बन लिया? नहीं बाहर चला गया ना। हाँ बाहर चला गया। चलो वो रो रही है। गाइस मिशन अनकम्प्लीट्ड। पर ये दूसरा था यार, था बहुत प्यारा। हाँ सुंदर तो था। क्या हो गया? नहीं मेंढक था, तुझे सबसे दोस्ती करनी है। ये दिखाई, ये देख काट रही है मेरे को। हर किसी से दोस्ती करनी है, बाहर कालू है उसे दोस्ती करनी है, बिनी से दोस्ती करनी है। नाम ही भूल रहे, नाम भी भूल गया मैं, इतने सारे करैक्टर हैं। तो चलो गाइस अब पेट पूजा करते हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ तो बनाया होगा क्योंकि इन्होंने मेंढक भी मेरे हाथ से पाप कराया, मेंढक को भी बाहर नहीं हमने कोई मारा वारा नहीं उसको, बस बाहर उसको छोड़ा है। बट हाथ मेरे लगवाए ना, पाप तो मुझे चढ़ा ना। तो सरप्राइज खराब, वो पाप नहीं देगा, एक सरप्राइज खराब, ऊपर से पाप चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार। तो ना मेरे से छुपा के रखा करो, मेरे को तो मतलब बस मैंने देख लिया।
आपके पेट और दिमाग में कोई बात अच्छा था, था, मुझे अच्छा लगा। ये बात फैक्ट है यार, औरत के दिमाग में कभी कोई बात नहीं टिकती, ना पेट में ना दिमाग में, ये ना पेट में ना दिमाग में यार। तो गाइस आप लोग पता नहीं कैसे अपने दोस्तों को या फीमेल फ्रेंड्स को या वाइफ को कैसे सरप्राइज करते होंगे यार। यहाँ तो प्रॉपर्टी हो गया है, अभी खाना खा लेते हैं, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, सरप्राइज तो खत्म आपका, बाय।